हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? तो शाम के मतलब शाम ही हो गई अभी, तो ऐसे ही समझो, क्योंकि जयपुर में वैसे ठंडी का माहौल चल रहा है तो शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा भी यहाँ पे जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले तो सुबह बच्चे लोग फटाका फोड़ रहे थे, वो वाला पार्ट देख लो, बहुत मजा आएगा। दिवाली अब शुरू हो गई ऐसा लगेगा आपको, तो पहले वो वाला सुबह वाला पार्ट देख लो। तो भाई दिवाली आ गई है और बच्चों ने कर दिया है फटाका फोड़ना चालू, और यहाँ पे भाभी बना रहे हैं स्नेक चला रहे हैं स्नेक। अभी इसमें से स्नेक उत्पन्न होगा। आपके हाथ में चिपक गया भाभी शायद, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको स्नेक ही बोलते हैं। क्यों क्यों ये दोनों देख रहे हैं अभी कि स्नेक बाहर आएगा। क्यों सुहा उसे स्नेक सुहा मनु जी कितना बड़ा स्नेक है। कियान पहली बार देख रहा है स्नेक। तो क्वीन जला के भाभी अभी सफाई कर, यहाँ पे ब्लैक हो गया है तो उसका अलग से लाना पड़ेगा, पत्थर या तो कुछ अलग से पड़ा है। एक तो पड़ा है लकड़ी का, और यहाँ पे देखो ढेर जमा दिया है बंदूक, दो दो बंदूक लेके। हम कब से फटाके फोड़ रहे थे, बाद में मुझे याद आया कि नहीं वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा यादगार रहेगा कि नहीं। अभी दिवाली आ रही है, बहुत जोरों शोरों से अभी से ही हमारी दिवाली स्टार्ट हो गई है, तो सोचो कि दिवाली आते आते हम क्या करेंगे। हाँ बेटा बोलो। अक्षांश आ रहा है, अब वेट करो। कियान को बंदूक से बहुत डर लगता है। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं नहीं मम्मी नहीं नहीं बा नहीं ऐसे बोल दो नहीं बा स्नेक। हाँ जी स्नेक मासी लावे छे, लावे हो ना, वेट कर थोड़ी। हाँ वेट, वापिस बच्चे हो गए हैं रेडी स्नेक देखने के लिए। जो जल्दी दूर हटो, दूर हटो, दू आ रहा है, दूर हटो, दूर। जो इतना बड़ा स्नेक फुस हो गया, अभी खत्म। पकड़ो, ये बहुत डर रहा है, वैसे उसको सब कुछ करना है पर डर रहा है। वो देखो बैठ गया, डर सब दोनों को है पर करना सब है। पकड़ो पकड़ के इसको पहले आप कर दो, बाद में उसको दू, वो वरना है ना अपने ऊपर लगा लेगा। कियान जो सूत आई छे जो तारा मंडल के भाई, हिंदी में क्या बोले भाभी इसको? फुलझड़ी। कियान जो देखो देखो देखो, ए ए जोजे सीढ़ी में पड़ तो नहीं, इन बो नजीक नो ले जा, मम्मी सीढ़ी छे पकड़ो। मम्मी दाद से हो जो जो दादी स्नेक तो बुझ गया बेटा, स्नेक मर गया। हाँ वो सो गया।
हाँ स्नेक क्या स्नेक वो तो नहीं निकलेगा ना टूटा हुआ उसमें से लिफ्ट में से कोई आएगा टकराएगा सीधा आपसे पागल हुए हैं बच्चे तो टूटा हुआ स्नेक अभी आ रहा है देखो देखो आया 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 हाँ इसमें क्या करना चाहिए पता है दो तीन ऐसे लाइन में रख देंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा और करना है आप करो अभी करना है तो आप करो चलो तो अभी बा और दादा के साथ यहाँ पे कियान की मस्ती हो गई है शुरू कितनी गोट छे कितनी से बोल छू छे टीटी ओ वो कर सु आपड़े चंदा चंदा मामा ये टीटी कितना जो तो चंदा मामा क्या होय टीटी टीटी जो गॉड क्या छे गॉड सामे कितने छे 1 2 3 कितने छे कानो 1 2 3 4 5 6 6 6 कितने छे 6 और जयपुर का वेदर कुछ ऐसा है ठंडी वाला पापा सूरत का मौसम कैसा है गर्मी वाला ही है ना तो गर्मी है बहुत गर्मी है और शाम को कितने बजे अंधेरा होता है साढ़े छः बजे साढ़े छः के बाद हाँ तो यहाँ पे भी आपको जल्दी लगेगा अब आज तो धूप तो है ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा फरीदाबाद वाला लग रहा है फरीदाबाद में तो अभी बहुत गंदा वेदर है वो जो धुआं वाला जो होता है ना वो वाला कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा मैंने आज ही न्यूज में पढ़ा था कि बहुत गंदा वेदर है वहाँ पे दिल्ली एनसीआर में सामने कुछ दिखेगा ही नहीं हाँ उतना ज्यादा वहाँ पे तो पॉल्यूशन ही इतना होता है तो इस बार तो बहुत ज्यादा ही फैल गया है और अच्छा है कि हम जयपुर में आ गए हैं इस टाइम फूल कितने अच्छे खिले हाँ ये मम्मी को फूल बहुत ये देखो फ्लावर अभी खिलने लगे हैं पिंक सिटी में पिंक फ्लावर बहुत ज्यादा ही देखने मिलते हैं यहाँ पे तो अभी कम है सोसाइटी के बाहर भी बहुत ही अच्छे अच्छे दिखने लगते हैं तने बहुत मजा आवे बाय जोड़े बाय बाय यहाँ पे बन रहा है घी तब तक एक कमेंट का जवाब दे देते हैं कि ये वाला खजूर कहाँ से लाए किसी ने कमेंट किया था तो मम्मी से ही पूछते हैं मम्मी ये खजूर सूरत से लाई कोई हमारे वहाँ घर के नजदीक ही रहता है उसने ऐसा बोला कि उनकी बेटी या बहू को डिलीवरी होने वाली है तो उनके लिए लेना है उसको खजूर ये खजूर में डबोली चार रास्ता और जो सब जगह मिलता होगा छोटा वाला खजूर तो शॉप का नाम तो पता नहीं होगा ना शॉप का नाम दास दास ना दास दुकान का नाम तो शायद गूगल से मिल जाए आप लोगों को तो ये वाला खजूर रोड पर ही है दुकान बहुत बड़ा है ये बॉक्स वहाँ का ही है उसके पास बॉक्स होता होगा तो मैंने डाला प्रसादी का ये अच्छा पर बॉक्स वहाँ का नहीं है ना वरना तो एड्रेस मिल जाता में भी देता है तो आप ढूंढ लेना अपने हिसाब से क्योंकि हाँ इसको कौन सा खजूर बोलते हैं मम्मी वो तो मेरे को पता नहीं है क्योंकि बहुत टाइप के खजूर आते हैं चार पांच जगह हाँ पर ये सॉफ्ट वाले हैं सॉफ्ट है ये भी खा रहा है हाँ पर ये वाले पहले ऐसा बोलते थे ये दुबई वाला खजूर है पर दुबई में भी अभी बहुत सारे खजूर आने लगे ये मुझे लग रहा है तब तक चॉकलेटी खजूर है जो मतलब मुंह में रखते ही पिघल जाता है ऐसा वाला खजूर कियान की मस्ती चल रही है दादा के साथ वाक से मम्मी अबे ये मेरे ऊपर देखो पड़े जा पाड़ी इसकी यानी एवी रीते थोड़ी अबे शांति से नीचे उतर चल उतर हो जा बेमा देख ना कैक मोड़े जा
इसी तो गड़े आवसे बा तक बक तक बक तक बक तक बक तक बक दादा मम्मी पाचड़ नो जाए ओली बाजू उबले पंखो 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 नो आवे आवे तक बक तक बक तक बक तक शाम के बज गए है अभी 6:30 और 6:30 बजे हमारा डिनर हो रहा है क्योंकि आज चिराग का सैटरडे था, पापा का भी सैटरडे था, तो क्या जल्दी जल्दी भूख लग गई थी। दोपहर में सूखी भाजी सिर्फ खाया था। तो यहाँ पे बन रही है मेरी भाखरी और सब लोग बैठ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो खाने में है खाली बर्तन तो खाली हो चुका है और यहाँ पे ओड़ो डूंगड़ी रेड वाली चिली और भाखरी आएगी। मम्मी पापा किरण के साथ आज का दिन कैसा रहा आप दोनों का? मजा आया? मजा आया ना? ओके क्या है चिराग देखो कर क्या रहा है? कर क्या रहा उसने ना मुंह में छाछ भरी है, बोकला करता है छाछ। ये तो कियान भी साथ साथ में आज खा रहा है। मैंने बोला था ना उस दिन चिराग की वो वाला नहीं खाता है पर था ये वाला ही खाता है। नहीं उसको कच्चा वाला पसंद नहीं है। मेरी भाखरी जल जाएगी। तो बस या ये ऐसा ही हमारा आज कुछ दिन गुजरा। मजा आया। मम्मी पापा आ गए हैं तो मजा आता है। क्या होता है कि सब लोग एक साथ होते हैं ना, वरना तो मैं और कियान दोनों अकेले अकेले होते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो अभी मस्ती करेंगे। मम्मी पापा नीचे देख के आए हैं कि नीचे हेलोवीन पार्टी चल रही है, तो जाएंगे वहां पे और देखेंगे क्या कुछ अरेंजमेंट किया है वो सब। पहले खाना खा लेते हैं हम लोग। मॉर्निंग एवरीवन। बज गए अभी 9:45 सुबह के। हमारा नाश्ता वास्ता हो गया है, बहुत ही अच्छा और अच्छी वाली मॉर्निंग हो चुकी है। कल बहुत सारी कमेंट्स आई सबकी, बहुत अच्छी अच्छी भी कमेंट्स आई और ऐसा भी आप सब लोग बोल रहे हो कि आपके मम्मी लाए हैं जो सारा सामान उसकी कदर करो। हमें पता है कि नहीं मम्मी लाए है वो अच्छी बात है, पर मम्मी को हम मना इसीलिए करते हैं क्योंकि मम्मी को एक तो हाथ दर्द होता है तो सब सामान लाए, फिर जो ट्रेन में जाते होगे उसको तो पता ही होगा कि सब सामान उचक के फिर लाना यहाँ पे
इसलिए हम मना करते हैं। लाने ले जाने की जो समस्या है ना, उसमें क्या है कि अब उम्र जैसे हो जाए, हमने वैसे कूली कर लिया था पर तब भी थोड़ा बहुत उठाना पड़ता है, जब घर से ले लाते हैं रिक्शा में रहते हैं तो उठाना पड़ता है। स्टेशन देखो जयपुर आ गया तो सामान सब नीचे से निकालो, फिर रखो आगे रखो, फिर नीचे उतारो। कम देगा थोड़ा सा भी खिसक गया ना तो लंबा हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ना लाए। तो अभी लाने के बाद तो हमको भी अच्छा लगता है कि इतना सारा सामान आ गया, हम खाते भी है और खुशी खुशी खाते है, ऐसा नहीं। सब लोग ऐसा बोल रहे थे रिंकल आप रूड हो, आप मतलब जो मम्मी सामान लाए उसका आपने कदर नहीं किया, पर ऐसा नहीं था। हम मम्मी का ध्यान रखते हैं ना, इसीलिए हम मम्मी को मना करते हैं, मम्मी के लिए मना करते हैं, क्योंकि हम अभी मना कर रहे हैं ना तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा इससे थोड़ा कम लाएंगे, वरना बढ़ाते ही जाएंगे बढ़ाते ही जाएंगे। तो क्या है कि अभी हम सूरत से आए, फिर भी हमने भाकरी का आटा वो सब सारे बहुत सारे आटा थे वो भी निकलवा दिए थे। सोचो कितना, फिर कितनी बैग होती, दो लोग थे तो। अभी पापा की एज भी ऐसी है और मम्मी की भी, कि दोनों अभी इतना सारा हैवी सामान नहीं उठा पाते हैं। तो बस यही वजह थी हमारी और कुछ नहीं था। हम बहुत खुश, अंदर से तो बहुत खुश होते हैं, पर अगर जो ज़्यादा खुश हो गया ना तो जितना सामान था उससे डबल आता नेक्स्ट टाइम, है ना। तो बस यही हमारा कुछ मोटिव रहता है। बाकी किसको पसंद नहीं है कि घर के घर से सामान आए, खाना आए मेन तो, क्योंकि आपको पता है कि हम दोनों को खाना बहुत पसंद है, वो भी सूरत का। तो सब कुछ खा रहे हैं, सुबह सुबह हमने वही सब नाश्ता किया, चाय पी, दूध पिया चिराग ने। अभी चिराग खजूर वाला दूध चालू कर देते हैं और मोटा हो जाऊंगा फिर। खजूर तो अच्छा है अभी ठंडी में, देखेंगे। बहुत ही अच्छा मौसम है चिराग, घूमने जाएंगे ना कहीं। अभी आपको देख रही थी ना तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे खड़े रहो। हाँ तो देखो पीछे कितना में क्या होगा पता है, कि ये सब जो पेड़ है ना देखो वहाँ पे फ्लावर्स आना चालू हो गए, यहाँ पे आना चालू हो गए, ये सब पेड़ में फ्लावर्स आ जाएंगे तो लगेगा और मस्त। हाँ देखो यहाँ से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो बस ऐसा ही हो कि बस बालकनी में बैठे ही रहे और मजे ले यहाँ के। नहीं सब वो सही हो, देख अच्छा दिखेगा यहाँ पर व्यू। कोई नहीं, चलो वीडियो का एंड करते हैं। ओके चलो लाइक नीचे चल रहे किया, नीचे गया ना। ओके कोई नहीं, तो मम्मी पापा, हाँ वो भी बता देती हूँ, मम्मी पापा गया है नीचे कियान को लेके, क्योंकि सुबह सुबह कियान को नीचे जाना होता है, नाश्ता वास्ता करके दोनों नीचे चले गए हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि काम वाले आंटी 5 दिन नहीं आने वाले है, तो मैं अभी मेहमान आता है वो चले जाते हैं, उसको पता है कि कोई कर लेगा अभी। नहीं उसको पता है कि मैं अकेली होती हूँ ना तब नहीं कर पाती हूँ, तो अभी मम्मी पापा आए तो वो चले गए। तो वैसे भी उसको भी दिवाली का कुछ काम था तो उसने छुट्टी ले ली है, तो मैं लगाऊंगी अभी पोछा, चिराग जाएंगे नीचे खेलने के लिए, टहलने के लिए। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं, कल वापस मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय।